So good morning friends, welcome to PD classes, a very important topic for all those who want to make their career in nursing. Students, you know very well, nursing is a very good career. And today we have a girl who wants to give this interview and I hope ye interview aapke liye bahut acha rahega. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने ये इंटरव्यू हिंदी में डिजाइन किया ताकि हमारे उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले जिन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है. तो आर यू कंफर्टेबल शिनम? यस सर. ओके शिनम, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप नर्स में क्यों बनना चाहती है? व्हाई डू यू वांट टू बी अ नर्स? सर, मैं अपने लाइफ में मदर टेरेसा से बहुत प्रभावित थी. ओके okay. और हमेशा से वो मेरे आइडल भी रही हैं. वेरी गुड. हालांकि वो एक नन थी. ओके okay. बट वो एक पब्लिक नर्स भी थी. ओके okay. तो वही हमेशा से मेरे आदर्श रही हैं. वेरी गुड, आपका तो कथन बहुत अच्छा है भाई. एंड शी वॉज ए यंग चेकोस्लोवाकियन गर्ल जो 12 साल की उम्र में जान गई थी कि मुझे जीवन में क्या करना है और सारी जिंदगी उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट कमाया है. बहुत बढ़िया आपने वर्ड दिया उनको, पब्लिक नर्स. और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ नर्सिंग के लिए एक वर्ड यूज करूंगा, फिजिकल एंड इमोशनली टैक्सिंग करियर है ये एक. और इसमें बहुत से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो मैं पूछूंगा आज हमारी गर्ल से, तो मैं चाहता हूं ये सभी बताएं. और इसमें आप अच्छे जानते हैं ABSN प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना ही आपका मकसद होता है. तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि एक अच्छी नर्स में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. सबसे अच्छी बात तो ये कि नर्स में जो हो कि वो अपने आप को उस दूसरे व्यक्ति की जगह पे रख के देखे, उसका दर्द समझे, उसको क्या तकलीफ है, उसके इमोशंस को सब समझेगी, तो ये क्वालिटी उसमें जरूर होनी चाहिए. वेरी गुड. और मान लीजिए कोई पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, तब आप क्या करेंगे? सर, तो मैं अपने काम को और अच्छा करके दिखाने की और उसकी और अच्छे से केयर करने की पूरी कोशिश करूंगी. ओके अच्छा, बहुत बार ऐसा जानते हैं कि इस प्रोफेशन के अंदर बहुत सा स्ट्रेस मिलता है लोगों को, तो आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेंगे? सर, मैं सबसे बात अपना स्ट्रेस फील रहती हूँ. बाकी कभी स्ट्रेस हो भी जाता है तो ठीक है, थोड़ा काम का बर्डन तभी होता है जब हम काम को अगर डिले करते हैं या उसको बढ़ा देते हैं. बिल्कुल सही. अगर हम प्रॉपरली उसको काम को करेंगे तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेस होगा. वेरी गुड. 7 C's ऑफ नर्स कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें से कोई सी आपको मालूम हो? हाँ जी सर, मुझे मालूम है, करेज, केयर करना, अपने आप को उनकी जगह पे रखना, उनके दर्द को समझना. वेरी केयर, कम्युनिकेशन, करेज, कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कम्पेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहता हूँ. यस सर. चलिए मान लीजिए कोई पेशेंट है वो बहुत पेन में है, तो आपका क्या फर्ज बनता है? सर, मैं उसकी अच्छे से निस्वार्थ होकर उसकी सेवा करूंगी. ओके अच्छा, मान लीजिए कभी पेशेंट ऐसा भी होता होगा जब आपका पेशेंट इज अबाउट टू डाई और वो बहुत टाइम तक नहीं जिंदा रहेगा, तब आप क्या कैसे डील करते हैं ऐसे पेशेंट? सर, एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब हम दिल्ली में थे तो उस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी. okay. तो एकदम वो मरने की स्टेज पे ही था. राइट right. लेकिन हमने उसको महसूस होने नहीं दिया कि उसकी ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम उस पर आ चुकी है. वेरी गुड. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग उनके आगे रोते हैं, हमने ऐसा उनको फील नहीं होने दिया कि उनकी कंडीशन इस टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. वेरी गुड. नर्सिंग जॉब में हार्डेस्ट पार्ट क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या क्या है, लोगों को क्या चीज मुश्किल लगती है इस जॉब में? सर, सबसे ज्यादा तो टाइमिंग की है. okay. कि टाइमिंग बहुत ज्यादा रहता है, लेट नाइट शिफ्ट भी रहती है कई बार काम का भी बर्डन भी बहुत ज्यादा होता है और कभी भी हमें इस काम के लिए बुला लिया जाता है सबसे ज्यादा. वेरी गुड. और बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि यू डोंट इवन गेट टाइम फॉर साइकोलॉजिकल ब्रेक्स ऑल्सो, सो समटाइम्स यू शुड बी वेरी कॉन्शियस एवरी सेकेंड, राइट? यस. एक नर्स में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर, मेरे हिसाब से एक नर्स में सबसे अच्छी क्वालिटी ये हो कि हम उसके दुख दर्द को अगर हम समझ जाते हैं तो ये क्वालिटी सबसे अच्छी है. okay. अगर हम उसके दुख को समझेंगे तो हम उसकी निस्वार्थ होकर सेवा भी करेंगे. वरना हमें लगेगा ठीक है पेशेंट है, अगर वो जी रहा है तो भी हमें कोई फर्क नहीं, और अगर वो मर भी रहा है तो हमें क्या है उससे, हमारा तो पैसा बढ़ रहा है. लेकिन हमारे मन में अगर उसके प्रति सेवा की भावना है तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा अपनी लाइफ में या ऐसा होगा लाइफ में कि ज्यादा मौत हो अपने यहाँ. तो ये कम हो सकती है अपने इंडिया में भी, अगर हम उसकी अच्छे से सेवा करेंगे तो इसमें भी कमी आएगी, अगर मौत की भी कमी आएगी. बिल्कुल सही बात. और सबसे बड़ी बात है कि इस समय आप कोरोना पेशेंट्स को डील कर रही हैं. यस सर. तो कैसा, आपको डर नहीं लगता कोरोना पेशेंट्स को डील करते हुए? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता. ओके okay. एक्चुअली मेरा रोज का ही काम है उनको हैंडल करना. okay. और मैं बिना डरे जाती हूँ. ओके okay. पर आज आप बता रहे थे कि पेशेंट की डेथ हो गई, तो उनकी डेथ वगैरह से आपको फियर अप नहीं लगता कोरोना कहीं प्रॉब्लम आ जाए आपको कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं, इतना वो हुआ नहीं है ये कोरोना. एक्चुअली में ये कि अगर आप अपने अच्छे से केयर कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस बना के रख रहे हैं, मास्क लगा के रख रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना से डराने वाली कोई बात है. आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. सर,
मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं दूसरों के दर्द को सबसे ज्यादा फील करती हूँ, उनको समझती हूँ और उनकी मदद करने की भावना हमेशा मेरे मन में रहती है। वेरी गुड। और आप में कुछ कमजोरी है, कोई वीकनेस आपकी? हाँ जी सर, मेरी वीकनेस है कि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, थोड़ी कहूँ तो नहीं चलेगा, ज्यादा ही हूँ कि मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ। आप प्रेजेंटली जिस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और अब आप हमारे हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, तो आप हॉस्पिटल क्यों बदल रहे हैं? क्या आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने पुराने हॉस्पिटल से? सर नहीं, मैं अपने पुराने काम से, अपने पुराने हॉस्पिटल से सेटिस्फाइड हूँ, बट मैं काम में थोड़ा चेंजेस लाना चाहती हूँ, अपने आप में नया चेंज और कुछ सीखने की भावना से ये जॉब छोड़ के नेक्स्ट जॉब में आना चाहती हूँ। ओके, वैसे दोस्तों हमने ऑलरेडी इसका आंसर आपको दे रखा है, व्हाई आर यू लीविंग योर प्रीवियस जॉब। आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर YouTube पर सर्च करोगे तो उसके आगे आप लिख दीजिए करें पीडी बाई पीडी क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू लीविंग योर पीडी क्लास जॉब बाई पीडी क्लासेस, बस बाई पीडी क्लासेस अगर आप लिखेंगे, चाहे इंट्रोडक्शन हो चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, सैलरी आपको क्या चाहिए बाई पीडी क्लासेस, आपको डेफिनेटली बहुत शानदार आंसर हमारे वीडियोस में मिलेगा। चलिए और क्वेश्चन मेरे लिए बहुत है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर्स और अदर नर्सेस को कैसे ट्रीट करेंगे? सर मैं उनके काम को देखती हूँ सबसे ज्यादा कि वो काम कैसे करते हैं। अगर वो अपना काम प्रॉपर से नहीं कर रहे हैं तो उनको समझाऊंगी सबसे पहले तो, और अगर वो उसको अच्छे से कर रहे हैं तो उनको और उनकी उनको करेज करूंगी कि आप ये काम और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, और मान लीजिए कोई प्रॉपर इंजेक्शन वगैरह नहीं दे रहा, कोई हैंड वॉश वगैरह नहीं कर रहा है और कोई कंपाउंडर वगैरह ऐसा काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सर तो उनके खिलाफ मैं कार्यवाही ही कुछ करूंगी। सबसे पहले तो उनको समझाऊंगी कि ये काम आप अच्छे से कीजिए, और अगर वो नहीं मानते इस चीज को तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात है जो आपकी जो ड्रेसिंग है उसमें व्हाइट रंग है, तो ये इट्सेल्फ इज सिंबल ऑफ पीस। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा आपसे कि आपके पास बहुत से अच्छे अच्छे गुण है और आपको फर्स्ट एड वगैरह बहुत नॉलेज है, आपको साइंस वगैरह से रिलेटेड, आपको बॉडी सिस्टम्स बहुत अच्छे से मालूम है, ये साइंस रिलेटेड चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो एज अ डॉक्टर बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत से चैलेंजेस आएंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा आपको 24 घंटे भी जागना पड़ेगा, और शायद हुआ भी होगा ऐसा। हुआ ऐसा, बिल्कुल हुआ है। ओके, तो उस समय आप थोड़ा डिस्करेज नहीं होते इस जॉब से, कितनी हार्ड जॉब है, दिस जॉब इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो आपकी क्या राय है? सर मुझे नहीं लगता कि ये जॉब बैड है, क्योंकि मेरे मन में जो भावना सेवा की है तो फिर सेवा करनी है तो फिर टाइम का कुछ मायने नहीं रखता है। तो अगर 24 hours अगर हमें काम दिया जा रहा है, लोगों की सेवा करनी है, तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन ही मदर टेरेसा जी रही है। वेरी गुड। अब देखिए आपने कहा कि आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मगर हमारे पास एक और नर्स है जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम उन्हें क्यों ना सिलेक्ट करें, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर नर्स तो आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन कई ऐसी हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन मैं पैसे के साथ में लोगों को दिल को भी जीतना, उनकी सेवा भी करनी है, तो मेरे में ये प्लस पॉइंट है अदर नर्स के मुकाबले। ओके, मींस आप अपने काम को जुनून के साथ करेंगे और बाकी लोग सिर्फ काम करेंगे, ये डिफरेंस होगा। बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया मगर स्टिल लोग आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो उस समय आप क्या करती है? सर बहुत बार ऐसा हुआ है कि अप्रिशिएट नहीं भी करते, बट हमें अगर मेहनत करनी है तो कोई बात नहीं, मेहनत हमारी कभी तो रंग लाएगी, उनको दिखेगा जब हम अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो अपने आप से ही वो हमारी जो सोच है हमारे प्रति वो अपने आप ही बदल देंगे। वेरी गुड। आपने बताया मदर टेरेसा से आप इंस्पायर हुए थे, तो आपको घर वालों का मोटिवेशन मिला कि जब आप नर्सिंग के लिए गए, क्योंकि आपने बताया कि आप अपनी फैमिली में ओनली मेंबर है जो नर्सिंग की तरफ रुझान किया है जिसने, तो आपने आपके घर वालों की तरफ से आपको मोटिवेशन मिला था? यस सर, मेरी सासू माँ है, मेरे हस्बैंड है, उनकी तरफ से मेरे को मोटिवेशन मिला कि तुम ये काम कर सकती हो और तुम ये काम करने के लिए ही बनी हो, क्योंकि जब तुम्हें देश की सेवा ही करनी है तो तुम इस काम में क्यों नहीं करती? यस, यू आर अ वॉरियर आई कैन से, और सच में रियली वी अप्रिशिएट यू, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि एक काम तो सभी करते हैं, पैसा तो सभी कमाते हैं, मगर कोई ऐसा कार्य करके जिसमें हम बहुत ज्यादा सोसाइटी को दे सकें वो बेस्ट है। पैसा तो हर काम में आता है, किसी भी काम को आप कर लो। हमने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो सब ऑलमोस्ट टेक्निकल राउंड के थे, मैंने आपसे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो नर्सिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को अगर सच में टैलेंटेड समझते हैं, तो अगर हम आपको वर्क देंगे जिसमें कभी कभी आपको बहुत लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होगा, हो सकता है नाइट शिफ्ट में आप घर भी ना जा पाओ, तो ऐसे में आप मैनेज कर लेंगे या जॉब छोड़कर चली जाएंगे? नहीं सर, मैं मैनेज करूंगी, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। और कल यदि आपको कोई
अदर इंसेंटिव या अदर सैलरी एक्स्ट्रा सैलरी देकर अपनी तरफ रुझान करे या एंटाइज करे, तो क्या आप हमारी हॉस्पिटल को छोड़ देंगे? नहीं सर, मैं आपके हॉस्पिटल को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरे को काम करना है, मेहनत करनी है और कुछ नया सीखना है। ओके, तो इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। आपको सैलरी कितनी चाहिए? सर मेरी सैलरी मायने नहीं रखती, मेरे लिए मेरा काम मायने रखता है। और अगर मेरा काम आपको दिखेगा तो आप मेरे को जहाँ आज 10 दोगे तो वो कल आप खुद ही मुझे 20 देने पे मजबूर होंगे। ऐसा मेरा मानना है। ओके, बहुत से नर्सिंग ऐसा रहते हैं कि वो नर्स प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो अब्रोड जाना चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं इंडिया। तो अब आपकी क्या राय है, क्या आप इंडिया में रहकर इंडियंस की सेवा करना चाहेंगी, अपने देश की सेवा करना चाहेंगी, या आप भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से जाना चाहेंगे? नहीं सर, मैं इंडिया में ही रहना चाहूंगी क्योंकि मुझे अपनी कंट्री बहुत पसंद है और मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ। और मैं इंस्पायर भी मदर टेरेसा जैसे ही हूँ जिन्होंने भारत में रहकर लोगों की सेवा की, तो मैं जो इम्प्रेशन सी मेरी वही रही है, तो मैं क्यों अपने भारत को छोड़ के बाहर जाऊंगी। मैं अपने इंडिया में रहकर ही अपने इंडिया के लोगों की सेवा करूंगी। वेरी गुड। और मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मैं अगली बार फिर कुछ नया करने की और कुछ अच्छी और कोशिश करूंगी ताकि मेरा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर दिए स्टूडेंट्स, आई होप कि सैलरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों और हर इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस है। अगर आप एक एक्सपीरियंस है, जैसे आपने कहा ऑलरेडी मुझे एक्सपीरियंस है सर जॉब का, तो आपने बिल्कुल स्टार्टअप अच्छा किया था कि सर सैलरी इज नॉट द ओनली सेशन थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर इसके साथ में आप अगर ये भी एडोन कर दें कि सर प्रेजेंटली आई एम गेटिंग दिस एंड अ जॉब चेंज डज इंक्लूड रिस्क, देयरफॉर डिजर्व अ सुटेबल इंक्रीज सर, तो चेंज करना थोड़ा सा रिस्की होता है सर, तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट होना चाहिए तो वो और अच्छा लग सकता है, राइट? तो आप इस तरीके की बात इंटरव्यूअर को कह सकते हैं। और यदि इंटरव्यूअर आपको बोलते कि मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया मुझे कि सर इस बार नहीं होता तो कोई बात नहीं सर, मैं ट्राई करूंगी, तो कम से कम आपको एड ऑन कर देना चाहिए कि सर मेरे अंदर ये वीकनेसेस है, ये मुझे मालूम चल जाएगा आज के इंटरव्यू से, तो कम से कम मैं उन वीकनेसेस के ऊपर वर्क करूंगी और उन वीकनेसेस को डेवलप कर लूंगी। आई होप द सेशन इज गुड फॉर द कैंडिडेट्स। आपको पीडी क्लासेस कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से और अब मैं बहुत ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज आप एंजॉय करते हो, कैसा अच्छा लगता है यहाँ पर पीडी क्लासेस? सर बहुत अच्छा। ओके, तो मैं मेरे लवेबल्स को कहना चाहूंगा कि हमने आपको 2000 वीडियो देखे दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज पर, इंटरव्यू पर, स्पोकन इंग्लिश पर, बहुत कुछ है हमारे चैनल पर, आप एंजॉय कीजिए, सीखिए बहुत कुछ।